हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एकेडमी एनीवेयर। तो आप लोगों को जैसा पता ही होगा कि हम लोग यूपी लेखपाल का प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, उसी क्रम में आज हम यूपी जीके का झील और झरने और यूपी की जितनी भी नदियां हैं कहां से निकलती हैं, कहां तक जाती हैं, इनसे जो क्वेश्चन बनेंगे, प्रैक्टिस सेट बनेंगे, वो हम कराने वाले हैं। तो आप लोगों के लिए ये जो सेशन है, ये सेशन है 10 क्वेश्चन चैलेंजिंग सेशन है। इन 10 क्वेश्चनों में से आप कितने क्वेश्चन करते हैं और ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपी लेखपाल के लिए, यूपी जीके के लिए। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट न करते हुए। लेकिन उससे पहले आप हमारे प्रीवियस सेट को जरूर कर लें जो कि ग्रामीण परिवेश से हमने बनाया है और यूपी जीके से भी हमने बनाया है। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है उत्तर प्रदेश की नदियां, झील और झरने। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, निम्न में से किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है? आपके ऑप्शन है ए गंगा, बी यमुना, सी ब्रह्मपुत्र या डी नर्मदा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आप अपने से पॉज कीजिए और लगाइए, मैं आपको आंसर बताता हूँ। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी नर्मदा, यानी नर्मदा नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? आपके ऑप्शन है घाघरा, केन नहर, निचली नहर, शारदा नहर। पॉज कीजिए और अपने आप से आंसर लगाइए, फिर मैं आपको आंसर बताता हूँ। इसका जो राइट आंसर है वो है आंसर डी, यानी शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? आपके ऑप्शन है ए शारदा सहायक नहर, बी ज्ञानपुर पंप नहर, या थोड़ा ऑप्शन नीचे देख लीजिए, गोकुल बैराज परियोजना या पथराई बांध। ठीक है, लगाइए ऑप्शन, पॉज कीजिए, अपने आप से लगाइए। इसका जो राइट आंसर है उसका आंसर है सी गोकुल बैराज, गोकुल बैराज। ठीक है, एक बार क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। ये क्वेश्चन था, निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? तो ये आपकी गोकुल बैराज, आपकी गोकुल बैराज परियोजना उत्तर प्रदेश संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? आपके ऑप्शन है ए गंगा नदी को, गोदावरी नदी को, कृष्णा नदी को या नर्मदा नदी को। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए गंगा नदी, यानी केंद्र ने गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? आपके ऑप्शन है गंगा, सरयू, यमुना और रामगंगा। तो इसका जो राइट आंसर है आप बताइए क्या होगा, सी यमुना, यानी यमुना नदी पर हथनी कुंड परियोजना संचालित है या चल रही है। लेकिन एक क्वेश्चन आप लोगों को मैं बता दूं कि कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा इस 10 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, माटी तला परियोजना है बेतवा नदी पर, गोदावरी नदी पर, कृष्णा नदी पर या पेरियार नदी पर। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए बेतवा नदी पर माटी तला परियोजना बनी हुई है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ये आप देख सकते हैं किसी न किसी क्वेश्चन परीक्षा एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और ऐसे क्वेश्चन रिपीटेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जो यूपी ट्रिपलसी परीक्षा जो कराता है उसमें ये सब क्वेश्चन जो होते हैं रिपीटेशन के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, लगभग 90% चांस होते हैं कि क्वेश्चन आ जाए डायरेक्टली। ठीक है, क्वेश्चन 7 देखिए, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? चलिए इसमें टाइम लीजिए और पॉज कीजिए और अपने आप से लगाइए आंसर, उसके बाद मैं आपको आंसर बताता हूँ कौन सुमेलित नहीं है। इसका जो राइट आंसर है राजघाट बांध, यानी राजघाट बांध यमुना नदी पर नहीं है, बाकी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी पे है, रिहंद नदी पे है, माटी तला बांध बेतवा नदी पे, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा ये वाला। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपके क्वेश्चन सही हो रहेंगे, जिसका जो राइट आंसर था वो ये था। ठीक है, क्वेश्चन सही हो रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऐसे क्वेश्चन भी लेखपाल में पूछ सकता है अगर वो पेपर टफ बनाएगा, या सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को आप याद कर लीजिएगा और तैयार कर लीजिएगा पूरी तरह से, यूपी लेखपाल के लिए कमर कस लीजिए, यूपी जीके से एक भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कीजिए, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बिठूर गंगा, गोरखपुर राप्ती, जौनपुर सई, कौशाम्बी यमुना, यानी ये नगर है इस साइड में और ये स्थित गंगा मतलब नदी के किनारे स्थित नगर। ठीक है, इसमें से कौन सुमेलित नहीं है आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी जौनपुर सई नदी के किनारे स्थित नहीं है, बल्कि जौनपुर गोमती रिवर के किनारे पर
स्थित है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजघाट बांध एवं नहर परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के बराबर बराबर सहयोग वाली संयुक्त परियोजना है जो बनाई जा रही है, किस नदी पर बनाई जा रही है? आपके ऑप्शन है ए यमुना, बी चंबल, सी बेतवा या डी केन नदी पर। इसका जो राइट आंसर है आप पॉज कीजिए, अपने आप से सॉल्व कीजिए, मैं आपको आंसर बताता हूँ। इसका जो राइट आंसर है वो सी बेतवा नदी पर, यानी राजघाट बांध नहर परियोजना जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की दोनों की बराबर संयुक्त परियोजना है वो बेतवा नदी पर बनाई जा रही है। ठीक है, तो इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखिए, ये पीसीएस मेंस में आया हुआ है क्वेश्चन 2015 में, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है लेखपाल के लिए। इनमें से कौन सा बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है? आपके ऑप्शन है ए लौकुश बैराज, बी रिहंद बांध, सी शारदा बैराज या डी राजघाट बांध। ठीक है, पॉज कीजिए, आंसर लगाइए। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी राजघाट, यानी राजघाट बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा हुआ होगा और मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोगों ने सही किया होगा, और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि 10 में से कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं, और इन क्वेश्चनों को एक बार आप अपने आप तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन किसी न किसी प्रीवियस पेपर में आए हैं तो इनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं यूपी लेखपाल के पेपर में। ठीक है, इसका पार्ट 2 जल्द ही हम लेकर आएंगे, इसके लिए आप तैयार रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। आप लोग थ्योरी अपने से पढ़िए, प्रैक्टिस के लिए हमारे चैनल पर आ जाइए, हम आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ढूंढ कर लाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें पार्ट 2 देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।